तो हेलो गाइस दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज मैं अपनी बस्ती से 1 किलोमीटर दूर पर आया हुआ था। तो दोस्तों मैं रोज़ आपके सामने, रोज़ प्रतिदिन आपके सामने जो वीडियो ब्लॉग लेकर आता हूं, तो दोस्तों शायद आप लोग बोर होते हों मेरे वीडियो से। दोस्तों मेरा भी एक कंटेंट है कि मैं ब्लॉग डालूँ। दोस्तों आप हमारे इस चैनल को और हमारे इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें और इधर शेयर भी कर दिया करें। दोस्तों अगर आप लोग बोर होते हो तो ज़रूर कमेंट में बताया करिए कि मैं बोर होता हूँ और मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। अगर आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो मैं कुछ कर पाऊँगा। तो दोस्तों इसी के लिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। और वैसे भी दोस्तों आज थोड़ा मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था और आज धूप थोड़ी कम थी। दोस्तों वैसे रोज़ तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि घर से इतने बजे तो निकलना बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रहा था। रोज़ हम लोग 6 बजे 6:30 बजे के बाद ही घर से निकलते थे। दोस्तों आज फिर भी 5 बजे के टाइम हम लोग घर से निकल ही आए हैं, हम हैं और हमारे भाई हैं। दोस्तों आप लोग ने फसल वाली ज़मीनें तो ज़रूर देखी भी होंगी। दोस्तों आज मैं ज़रा इस साइड पर आया तो देखा दोस्तों यहाँ पर कांटे के पेड़ हैं। दोस्तों आपको चलिए दिखाते हैं पहले कि कांटे के पेड़ यहाँ कितने हैं। सोचा कुछ नहीं तो आपको ये कांटे के पेड़ ही दिखाते हैं। मैं तो मतलब बोलता ही रहता हूँ आपसे, मतलब दोस्तों मैं आज अपने भाई से भी कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों को कुछ बताओ। तो दोस्तों वैसे भी ये रहने वाले तो उत्तराखंड के हैं जो ही मेरे साथ आए हुए। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि भाई ने बताया कि मैं रहने वाला तो खैर उत्तराखंड का ही हूँ, और मतलब शहर तो लोग घूमते ही हैं, वैसे सब लोग सिटी और शहर तो घूमे हुए होते ही हैं अक्सर व बेशतर। मतलब लोग जो बस्ती में, इनके यहाँ एक बस्ती है प्यारी बस्ती, गांव भी है गांव समझो, मगर बस्ती के बाहर जो खेत खलियान हैं, जंगल वंगल पेड़, मतलब वहाँ घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। मतलब शहर है तो सब घूमते हैं लेकिन यहाँ का मज़ा वही लोग जान पाते हैं जो मतलब गांव में रहते हैं, एक बस्ती में रहते हैं जी। जो देसी लोग होते हैं वही मतलब इसका मज़ा ले पाते हैं, लेकिन खैर यहाँ पर देसी तो लोग हैं नहीं ज़्यादा, मतलब हैं सब बस्ती के, कस्बा ही है ये। वो शहरों में जो फैक्ट्रियों का इतना प्रदूषण होता है उससे बहुत ही बेटर जगह गांव है। दोस्तों गांव में मतलब इतना मतलब जो ऑक्सीजन होता है वो दिमाग को और शरीर को मतलब बहुत ही स्वस्थ कर देता है। तो दोस्तों फाइनली हमारा ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोस्तों हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करते रहें। दोस्तों जी भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हमारा एक वीडियो रोज़ एक व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।